हम कल की मुरली पढ़ेंगे, जो परमात्मा खजानों से संपन्न बनने से ही हम कैसे हाईएस्ट, रिचेस्ट और होलीएस्ट बन जाते हैं, तो उसके आगे सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे आज। तो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो सभी सदा मन को बिजी रखो, क्योंकि मन ही धोखा देता, मन में ही टेंशन आता, मन ही यहाँ वहाँ भागता है। तो मन को बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित रहना। बाप दादा कहते हैं, जब स्थूल कर्मेंद्रियों को मेरा कहते हो, मेरा हाथ कहते हो, तो हाथ को कंट्रोल कर सकते हो ना। जहां चाहे जैसे चाहे वैसे करते हो ना, तो मन मेरा है या आप मन के हो? मन के मालिक भी तो आप हो ना, तो मैं मन तो नहीं है ना? मन राजा तो नहीं है, आत्मा राजा है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करेंगे तो मन आपके अच्छे से अच्छा नंबर वन सहयोगी साथी बन जाएगा। करके देखो, सिर्फ मालिक बनो, राजा बनो। तो इस दुनिया में तीन शक्तियां तो चल रही है, देखो ये राजनीति की आई है ना। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम प्रतिभा पाटिल जी बाप दादा से मिलने आई है। तो तीन सत्ताएं तो चल रही है, राज्य सत्ता भी चल रही है, धर्म सत्ता भी चल रही है और साइंस की सत्ता भी चल रही है। लेकिन रिजल्ट, आप में कितनी सत्ताएं हैं? आप में चार सत्ताएं हैं, क्योंकि विश्व के आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आप में राज्य सत्ता है, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना, और धर्म सत्ता भी है। धर्म का अर्थ है दिव्य गुणों की धारणा, श्रेष्ठ चरित्र की धारणा, श्रेष्ठ कर्म की धारणा। गुणों की धारणा, गुणों से चरित्र बनता है, फिर श्रेष्ठ कर्म की, फिर संस्कार बनता है कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने की। तो जहां चरित्र है वहां सब कुछ है, चरित्र नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और साइंस की सत्ता, उसके साधन है आपके साइलेंस की साधना। तो चारों ही सत्ता जब इकट्ठी होती है तब विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बच्ची को भी कहते हैं, प्रतिभा पाटिल बैठे थे ना, तो बच्ची को भी कहते हैं, बहुत अच्छा किया पहुंच गई है, राज्य सत्ता में है ना, तो अभी कम से कम राजस्थान को तो आध्यात्मिक सत्ता से भरपूर करो। राजस्थान पान का बीड़ा उठावे, विश्व परिवर्तन तो आप ही हो जाएगा। पहले राजस्थान को परिवर्तन करो। तो प्रतिभा पाटिल जी बोल रहे हैं, बाबा राजस्थान तो आध्यात्मिकता का गढ़ है, यहाँ से विश्व में परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो विश्व, आगे बाबा बोल रहे हैं, विश्व को मिल तो रही है, लेकिन राजस्थान के राज्य अधिकारी भी सहयोगी बन जाए। देखो आप शक्ति रूप हो, बाप दादा ने शक्तियों को आगे रखा है, तो आप भी शिव शक्ति हो। शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है, उमंग इनको बहुत है, राजस्थान को बहुत अच्छे से अच्छा बनाए, लेकिन आपके सभी सहयोगी भी है, सब मिल करके करेंगे,
तो क्या नहीं हो सकता? राजस्थान दीपक जगाएगा चरित्र का, और वो दीपक चारों ओर दौड़ेगा। अच्छा किया बाप दादा को बच्चों का इस कार्य में सहयोगी बनने का उमंग उत्साह देख खुशी होती है। आपके साथ और भी तो आए हैं ना, तो जो साथ में आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। अभी आप सभी आपस में मीटिंग करना, प्लान बनाना कि क्या क्या कर सकते हैं, और सब यहाँ के आपके सहयोगी बनेंगे। उमंग है ना, अच्छा है, राजस्थान को निमित्त बनना चाहिए। अच्छा है, डबल विदेशी, विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वो तो याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो ना। बाप दादा कहते हैं, जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तक तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना, उड़ती कला है या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो या चलने वाले हैं? जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। उड़ने वाले हैं, अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं? नहीं, कई बाप दादा को कहते हैं, बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं, चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो, उड़ती कला में उड़ रहे हैं? अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं, और बढ़ते जाने ही है। जैसे डबल विदेशी है, ऐसे डबल सेवा। मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है? आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में, हर टर्न में आ जाते हैं, ये सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं, तो 100 के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। 100 की परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो। तो आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की, ये दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वो मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दिल खुश
खुश मिठाई सदा साथ रहेगी, भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में। आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं, सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अब बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकेंड में जहां मन को लगाने चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकेंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में अनुभवी मुरत बच्चों को सदा अपने समान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ ना कुछ अंचली सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तक तनसिन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब आगे दादियों से मुलाकात। अच्छा है, सभी आदि रत्न है, आदि रत्नों में विशेषता है, सभी रत्नों को देख खुश हो जाते हैं, सभी रत्नों को देख खुश हो जाते हैं। दादी को भी सभी याद कर रहे हैं। अब कोई बोल रहे हैं, दादी जी को विशेष ट्रीटमेंट और चेकिंग निमित्त बंबई हॉस्पिटल में 31 जनवरी को लेकर गए हैं। मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, निर्भय भाई, योगिनी बहन आदि सब ने याद भेजी है। बड़ों के आगे कुछ तो अनुभव आएंगे ना, न्यारे और बाप के प्यारे, न्यारे रहते छोटी छोटी बातों में पार होने का एक एग्जाम्पल बनते हैं। बिल्कुल 100% संपन्न बनना है, क्योंकि पहले नंबर वाले जरा भी अंश का अंश भी रह नहीं जाए, सब यहाँ खत्म होना है, क्योंकि इन्हों के आधार से नई दुनिया का राज्य स्थापन होना है और राज्य घराना बनना है। तो अंश मात्र को भी भस्म कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी होता है लेकिन फिर भी न्यायपन रहता है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये प्रैक्टिकल संपन्न बनने के लिए थोड़ा बहुत ये खेल तो करना ही पड़ता है। दादी जानकी जी ने कहा बाबा के लिए खेल है। बाबा बोल रहे हैं आपके लिए भी खेल है, ये भी पार्ट है। जैसे और पार्ट बजाते हैं, ये भी पार्ट नोंदा हुआ है। ये जरा सा भी भस्म हो रहा है, बिल्कुल प्योर, अंश मात्र भी नहीं रहे, तो सभी को प्यार तो है ना, और प्यार की दुआएं दादी को भी मिल रही है। अच्छा है, आप सब मिल करके निमित बन के चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। पर दादी ने भी याद दी है, निर्मला संता दादी ने, तो ये भी एक खेल में खेल है कि सभी इकट्ठे प्योर बन रहे हैं। इसने
संतामणि दादी ने, संतामणि दादी आए, इसने तो हिम्मत दिखाई और करके दिखाया, हिम्मत दिखाई और करके दिखाया। डॉक्टरों को भी अपनी हिम्मत तो दिखा दी ना, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, तो अच्छा है मिलके साथी बन के यज्ञ का कार्य को रुकना है ही नहीं, अमर है, चलना है और बढ़ना है। यज्ञों को बाबा ने वरदान दिया, अमर है, चलना है और बढ़ना है। तो सभी साक्षी होके खेल देख रहे हो, या क्वेश्चन मार्क उठता है, क्यों क्या तो नहीं उठता ना, जो होता है उसमें कोई राज समाये हुए होते हैं, तो वो बाप जाने और ड्रामा जाने। अच्छा, सब ठीक है, अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा से राजस्थान की राज्यपाल महामहिम बहन प्रतिभा पाटिल जी की मुलाकात। बाबा बोल रहे हैं, आपने हिम्मत अच्छी की है और बाप दादा को एक बात की खुशी है कि राजस्थान में दोनों ही विशेष माताएं हैं, त्रिमूर्ति है, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और स्पीकर, तीनों ही बहनें हैं। तो बाप दादा ने यहाँ भी माताओं द्वारा स्थापना की, तो अभी सहयोगी बन सेवा को बढ़ाओ, राजस्थान को नंबर 1 होना चाहिए। वो बोल रहे हैं, हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है, क्यों नहीं होगा, जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही है, सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प है, ये चाबी सदा साथ रखना, अभी आप साथी बन गई। आशीर्वाद तो शुभ कार्य और हिम्मत वालों को स्वतः मिलती है, कहे ना कहे, जिसमें हिम्मत है, उमंग है, उसको मिलती है। बाप का वायदा है, एक कदम आपकी हिम्मत का, 1000 कदम बाप की मदद का। ये सब साथी भी सहयोग देना, बहुत अच्छा, आप सभी सहयोग देना, क्या नहीं कर सकते हैं, जब मनुष्य आत्मा विश्व को अकल्याण कर सकते हैं तो कल्याण क्यों नहीं कर सकते, अकल्याण का पाठ बजा रहे हैं ना। तो पूछ रही है, ये क्यों हो रहा है, ये सब अति में जाना है। देखो, 10 साल पहले भ्रष्टाचार, पापाचार गुप्त था, आजकल खुले बाजार में हो गया है, अति में जाना है, कलियुग है ना, कलियुग अति में जा रहा है। तो पूछ रही है, इसे खत्म करने का उपाय क्या है, इसका उपाय है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। ये संदेश दे के उन्होंने श्रेष्ठ कर्म की भावना पैदा करना। अच्छा, जय कुमार रावल, MLA, ढोड़ा इंचा, महाराष्ट्र, दोड़ा इंचा। कुछ भी है, लेकिन बाप के कार्यों में सहयोगी बनना है राज्यपाल से। ये तो घर की बन गई है, देखो दादियों के साथ आ गई है। अच्छा, पटना से कमिश्नर आए हैं। कुछ भी हो, अभी ईश्वरीय कार्य में साथी बनना है, बस ये दृढ़ संकल्प करके जाओ, करना ही है, साथ देना ही है, हिलो नहीं, दृढ़ता रखो। भ्राता प्रभाकर रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश। कुछ भी हो, अभी क्या करना है, अभी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन के चलना। अच्छा, दादियों की सेवा में रहने वाली बहनों से, आप सेंटर पर नहीं रहते हो, रहती हो, मधुबन में रहती हो, सब ब्राह्मण परिवार के बीच में रहती हो, सबकी नजर आपके ऊपर है, बड़ी जिम्मेवारी है, थकना नहीं, साधारण नहीं हो, फरिश्तों जैसे चलो, दादियों को संभाल रही हो, कोई कंप्लेन नहीं है, बाप दादा खुश है। आगे, बाप दादा ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दादी जी की सेवा में गए हुए सभी भाई बहनों को विशेष याद दी। बाप दादा बॉम्बे में सबकी प्यारी, सबके दिल की दुलारी, दादी जी की जो सेवा के निमित्त है, उन सबको याद प्यार दे रहे हैं। दादी का जो भी ड्रामा में देखते हो, देखते हुए साक्षी होके दुआओं की, दिल के स्नेह की और स्नेह की सकास देने की सेवा करते रहते हैं, करते रहो।
खेल में खेल देखते रहो, साक्षी होके देखो और उड़ते रहो। बाप दादा दिल से सबको दुआएं दे रहे हैं और सब प्यार से सेवा कर रहे हैं, सेवा की भी मुबारक है। अब दादी जानकी जी ने कहा, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं, जो भी होता है उसमें सेवा और कल्याण तो भरा हुआ ही है। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश है, खुश है, बहुत खुश है। कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है? कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। ये नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। ओम शांति। अच्छा, अब बाबा को याद करके फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम ओम शांति दीदी। आज बाबा कहते हैं, ओम शांति। ओम शांति। सो कल बफर डे रहेगा। सो बफर डे पर इंग्लिश मुरली क्लब में एक क्लास है डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का, हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी माइंड। सो इंग्लिश अव्यक्त मुरली क्लब में रहेगा, हम भी उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। सो दोनों क्लब के लिए मिलकर कल क्लास रहेगा, सभी अटेंड करना। ठीक है। अच्छा, टाइमिंग क्या रहेगा दीदी? 5 o'clock to 6:30 तक। और ये लॉगिन आईडी कौन सा रहेगा? यही रहेगा कि इंग्लिश वाला रहेगा? इंग्लिश वाला रहेगा। सो ग्रुप में भेज जाएंगे सो लिंक वगैरह। ओके। सो एक मैं भी शेयर करती हूँ। ठीक है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि मन को सदा बिजी रखो, क्योंकि मन ही धोखा देता है। मन में ही टेंशन आता है, मन ही यह वहां भागते रहते हैं। तो मन को बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा राजा है, मन नहीं है। आत्मा राजा है तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करेंगे, तो मन आपके अच्छे से अच्छा नंबर वन सहयोगी साथी बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहन जी ओम ओम शांति। शांति। बहन जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराओ नहीं, खेलो, वो खिलौना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आत्मा राजा है, आत्मा के मालिक बनो, मन के मालिक बनो। बाबा कहते हैं आप में 4 सत्ताएं हैं,
आप कर्मेंद्रियों के राजा स्वराज्य अधिकारी हो, श्रेष्ठ चरित्र की धारणा, गुणों की धारणा, श्रेष्ठ कर्मों की धारणा करने से, और साइंस की सत्ता भी आप में है, साइलेंस की सत्ता, चारों ही सत्ताएं जब एक होती हैं तो विश्व परिवर्तन होता है, रिचेस्ट इन द कल्प, बाबा ने कहा। ओम शांति, ओम शांति। हाँ बोलो भाई, बोलो दीदी जी, आप बोलो पहले। अच्छा अच्छा ओके। बाप दादा और बच्चों के जमा का खाता चेक करना है, जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है, जो कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट, अगर दोनों ही में संतुष्ट है तो जमा का खाता भरा हुआ है, अगर अगर स्वयं भी जिसमें संबंध, स्वयं भी संतुष्ट और जिसमें संबंध है वो भी सॉरी स्वयं भी संतुष्ट नहीं और जिससे संबंध है उसके संतुष्ट नहीं, तो जमा का खाता नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा पूछते हैं तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी भी नहीं गवाओ, क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहता है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा भाई जी आप बोलिए, बोल दीजिए आप बोलो। आज बाबा ने डबल विदेशियों को कहा और साथ में हमें भी बताया, बाबा ने कहा कि डबल विदेशियों के जैसे डबल मनसा सेवा भी, डबल सेवा करो, मनसा सेवा भी और वाचा सेवा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं को आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख का कारण बढ़ता हुआ देखकर रहम आ रहा है तो आपके जड़ चित्रों के आगे वो लोग चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो मर्सी दो। तो अब कृपालु बन, दयालु बन, रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम करो और आत्माओं के ऊपर भी रहम करो। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जहाँ दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही, सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प है, ये चाबी सदा साथ रखना। अभी आप साथी बन गई हैं, आशीर्वाद तो शुभ कार्य हिम्मत वाले को स्वतः मिलती है, कहें ना कहें जिसमें हिम्मत है उमंग है उसको मिलती है। बाप का वायदा है एक कदम आपकी हिम्मत का, हजार कदम बाप की मदद का। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें कई बार कहा कि उड़ती कला में जानना है, चेक करो अपने आप को कि उड़ती कला में उड़ रहे हैं, क्योंकि पंख होते हैं तभी उड़ते हैं। तो हम ये चेक करें, जैसे हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, जैसे कि कोई आत्मा के थ्रू आ रही है या फिर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तो बाबा कहते हैं कि वो पेपर आया है तो उसको पेपर समझ के पास करो, क्योंकि आप पुरुषार्थी हो तो तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो दिल तक तो बन जाओ। फिर बाबा ने कहा उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख रहें, मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, उससे क्या होगा वायुमंडल बनेगा, वाइब्रेशन का इफेक्ट फिर आएगा, तो हमारा अंदर जो न्यारापन है कि हम समस्या के वशीभूत नहीं होंगे, हम न्यारे होके खेल देखेंगे और जितने न्यारे उतने प्यारे हैं। फिर बाबा ने कहा साक्षी होकर परिस्थिति को पेपर समझो, और बाबा ने कहा सदा खुश रहो। तो कुछ पॉइंट्स बाबा ने ये इसमें यहाँ पे अभी बताए, तो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उड़ती कला में हमारा पुरुषार्थ अवश्य जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि यहाँ पे जो अव्यक्त राजस्थान की जो राज्यपाल महामहिम बहन प्रतिभा पाटिल जी से जो मुलाकात में, बाबा ने यहाँ कहा है कि जब मनुष्य आत्मा विश्व का अकल्याण कर सकते हैं तो कल्याण क्यों नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हमें बाबा ने कहा कि सब सहयोगी साथी सहयोग यहाँ पे सहयोग देना है, और सहयोग के साथ ये बताया कि कलयुग अति में जा रहा है, इसे खत्म करने का उपाय क्या है। तो इसका उपाय बाबा ने बताया कि अध्यात्मक शक्ति को बढ़ाना है। यह संदेश देके उन्होंने श्रेष्ठ कर्म की भावना पैदा करना है। तो बाबा ने इसी मुरली में पीछे भी बताया है कि आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, इसे खत्म करने के लिए उपाय, इसका उपाय है आपके आध्यात्मिक खजानों को बढ़ाना है। उसमें से बाबा ने जो इसी मुरली में बताया कि सबसे पहला है शक्तियों का खजाना, दूसरा है ज्ञान का खजाना, तीसरा है गुणों का खजाना, और चौथा है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, और पांचवा वर्तमान समय का खजाना। तो ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं, अर्थात एक जन्म प्राप्त हुए खजाने साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता हमारे परम पिता परमात्मा है। तो बाबा ने इसमें कहा कि इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बनना है, और याद की शक्ति से खजानों को जमा करना है। इस समय इस सब सर्व खजानों से संपन्न बन करके हम बेफिक्र बनेंगे, यह उपाय बाबा ने बताया है आध्यात्मिक शक्ति का। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबन का आत्मा राजा है, मन तो राजा नहीं है ना, तो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर धारण करेंगे तो मन आपके अच्छे से अच्छा नंबर वन सहयोगी साथी बन जाएगा। करके देखो, सिर्फ मालिक बनो, राजा बनो। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले सबसे उठकर सबसे पहले अपने आप को खुशी की खुराक दो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि खेल में खेल देख रहे। बीमार थी ना जब बॉम्बे में, उस टाइम के लिए उन्होंने बोला खेल, और ब्राह्मण दीदियां जो सेवा में थी वो साधारण का है, साधारण नहीं हो, थकना नहीं है, दादियों को संभाल रही हो, तो खेल में खेल देख रहे हो। ये भी पॉइंट बहुत गहरा है। बीमारी को भी एक खेल, ड्रामा में भी खेल चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि ये जो मन है, ये मन हमें धोखा देता है, मन ही हमें टेंशन में लेकर आता है, और मन ही यहाँ वहाँ भागता रहता है। इसलिए हम सभी को मन को बिजी रखना है, और अगर हम मन को बिजी रखते हैं तो बाबा ने कहा है इसका मतलब है आप संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित हो जाते हो। तो हम सभी चिंतन कर सकते हैं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम अपने मन को बिजी रखें, और उसी पे आज हम सभी होमवर्क भी करेंगे। ये स्क्रीन पर श्वेता बहन जी ने ये शेयर किया है जो कल प्रोग्राम है, ये तो संडे 20th का है ना शायद। हाँ ठीक है, आप सभी शेयर कर सकते हो, चिंता कहाँ कहाँ अपने मन को हम बिजी रख सकते हैं। ओम शांति दीदी। हम स्वमान का अभ्यास करते रहे मन को, हर घंटे एक नया स्वमान देख करके, जैसे बाबा बोलता है मन
जैसे दिन की चर्या बनाते हो वैसे मन की चर्या बनाओ। जैसे बाबा ने बोला है कि अभी भी ऐसी से भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी है कि उसको सब लोग अपने पास शेड्यूल बना के रखते हैं अपने दिन का, ऐसे ही मन को आप एक शेड्यूल दे के रखो। तो हम अगर अपने ही मन को एक कार्य दे के रखेंगे तो वो फिर इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा। या मनसा सेवा का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने ठीक कहा सुमान के, इसके अलावा हम मुरली का मन चिंतन या पॉइंट भी याद रखें, मन को बिजी रखेंगे तो बिजी रहेंगे। ओम शांति। एक बार बाबा ने कहा था कर्म करते हुए मन मना भव। ओम शांति। बाबा को साथ रख के बाबा की ड्रिल करें, इससे भी हमें हम अपने मन को बिजी रख सकते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। जब कभी मन कभी फ्री हो तो मुरली पढ़ने बैठ जाओ ना, कोई कमेंट्री सुन लो ना, व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। तो टाइम पे भी पूरे दिन की दिनचर्या बना रहेगी। सुबह अमृत के लिए मुझे उठना है, मुरली सुननी है, ब्रह्मा भोजन बनाना है, फिर योग लगाना है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल आता है तो उसको मन में बिजी रखना है, स्वयंमान में रहना है, तो हमारा मन बिजी रहेगा, व्यर्थ बातों में नहीं जाएगा। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पे अनासक्ति जो हमारे अंदर आती है, तो अनासक्त बनने के लिए तन और मन को हमने बाबा की अमानत भी समझ सकते हैं, क्योंकि अमानत में ही ख्यानत है। हम बाबा को ये मन अगर दे देते हैं तो अमानत, जब हम अमानत समझने से जो जो कुछ भी कमी हमारे अंदर होती है, मन के संकल्प जो हम करते हैं ऐसे समझ कर करें कि यह मन भी एक अमानत है, इस अमानत में ख्यानत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रस्टी बन करके बाबा के साथ इस मन को जोड़े और मन को वश करने के लिए हमारे पास दृढ़ संकल्प, बस इस संकल्प और समानों में रह करके हमने संकल्प को शक्ति समझकर, यह भी एक शक्ति है, और शक्ति समझकर हमें इस संकल्प को विस्तार में ना जाकर सार में लेना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए दीदी, बोलिए बोलिए। कोई आप बोलिए। बाबा ने इसमें कई मुरलियों में बोला बाबा और प्राप्ति, तो अपने प्राप्तियों को जितना आप याद करते रहेंगे तो उससे भी बहुत मन एकदम क्यूरेट रहेगा। साथ ही बाबा की गुणों को, बाबा ने जो गुण, बाबा के गुण जो है, जो भी बाबा की जो भी मंदिर बना है तो सब बाबा के कर्तव्य थे मंदिरों बना है, उसी को भी याद करते रहे तो बाबा के गुणों को याद करते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी गुणों को भी साथ कर याद करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन बिजी रहेंगे। ओम शांति। बोलिए भोपाल भाई जी, आप शेयर कर रहे थे। ओम शांति। आजकल के जैसा समय चल रहा है तो बाबा ने कहा है कि बच्चों अब सिर्फ देने का काम करना है, तो हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, मन को दे सकते हैं कि हम जब भी हम ऐसे लगे कि समय है तो हम देने का काम करें, मनसा सेवा करें। बहुत सारी चीजें जहाँ जहाँ हम अमन रूप में दे सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों से बाबा भी समाचार पेपर पढ़ते थे तो बाबा उस अनुसार मुरली चलाते थे, तो हम भी जैसे दुनिया में जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ उस स्थान के प्रति अपने वाइब्रेशन सेवा के रूप में दे सकते हैं। ओम शांति। जैसे हम साकार मुरली भी सुनते हैं ना, तो सेंटर पे जाके सुनते हैं, आराम से बैठते हैं, तो मुरली से कोई एक ऐसा रस भरा पॉइंट लें जो आपके मन को अच्छा भाए, तो दिन भर आपको ना इजी बीजी भी रहेंगे। जैसे 3-4 दिन 5 दिन की मुरलियों से ले, बाबा ने कहा था ना हर रोज ज्ञान और योग के 2 एप्पल खाओ, या प्रीतम आन मिलो, या बलिहारी तो उस एक की है। आई मीन कोई भी एक पॉइंट ले, दिन भर लेना, तो वो भी बड़ा मतलब हर एक अपने जिसको जो भा जाए चीज, एक लाइन भी दिन भर अगर 10-20 बार भी करे ना, वो भी मन बड़ा बिजी रहता है। ओम शांति। ओम शांति।
जैसे मन को बिजी करने के लिए क्या प्लान हम बनाए। जैसे सारे दिन में हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में या चीजों में या दुनिया की बातों में कहीं ना कहीं चली जाती है वहां मन। इसीलिए मन को बाबा से अलग अलग संबंध बाबा से हम अगर रखे, जैसे बच्चे के रूप में हो या साजन के रूप में हो, फ्रेंड के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, बाप के रूप में, तो इस तरह से हम सारे दिन में अलग अलग संबंधों से अगर हम बाबा से अगर हम याद में बाबा उस संबंध से याद करते हैं तो बुद्धि यहाँ वहां नहीं भटकेगी, है ना। क्योंकि संसारी जब हमारा बाबा है तो बाबा की बातें ही चलेगी बुद्धि में। अगर हम इस अर संबंध से अगर बाबा को यूज करते हैं तो हम बिजी मन को हम इसमें बिजी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आत्मा करावन हार है, इन कर्म इंद्रियों से करावन हार भी है। तो जब मुरली पढ़ते हैं या कोई भी, तो उस समय कोई भी काम जब घर में भी सेवा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हर कर्म इंद्रियों के साथ ही जोड़ सकते हैं। जैसे नहाने गए तो अभी आत्मा अपने मंदिर को, मतलब आप जो है मंदिर की सफाई हो रही है, या फिर आप कोई घर का काम कर रहे हो तो कर्म इंद्रियां हाथ अभी इससे, तो ये भी बहुत यूजफुल लगता है। और दूसरा है श्वास, श्वास कभी जब बैठे हैं इसमें मेडिटेशन करने में, योग लगाने में, तो श्वास श्वास भी करते हुए बहुत एकाग्रता बन जाती है इसमें, श्वास श्वास करने में। रीमा बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी थैंक यू दीदी। अभी सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए, तो इसमें जैसे सबसे पहले तो हम बाबा से सर संबंध में कि बाबा हमें अमृत वेले के लिए उठाता है, तो बाप बन के हमें उनसे सर संबंध की रसना लेनी है। फिर हमें टीचर, जैसे मुरली पढ़े तो ये कि अब टीचर हमारे सामने आया, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ये अपने मन में संकल्प करें, और टीचर हमें पढ़ाने आए हैं तो टीचर बन के वो मुरली पढ़ा रहे हैं, तो उसको ग्रहण करें आत्मिक स्थिति में बैठ के। फिर उसके बाद जैसे अगर हम भोजन बना रहे हैं तो माँ बन के उनको कि वो हमें भोजन आ जाओ, माँ बन के तो वो भोजन बनवा रहे हैं हमसे। और उसके बाद जैसे हम अपने लौकिक कार्य में जाते हैं तो खुदा दोस्त बन के या गाइड बन के, तो इस तरह सारे दिन में हम जो भी कार्य करते हैं बाबा को साथ लेके करें। फिर उसके बाद बीच बीच में जब हम मुरली भी पढ़ते हैं, मुरली बाबा ने कहा कम से कम 3 से 4 बार कम से कम, तो उसके 1-2 पॉइंट्स अभी भाई लोगों ने भी शेयर किया कि वो जो भी पॉइंट्स अच्छा लगता है 1-2 पॉइंट्स का उस पे मंथन भी करते रहें कि ऐसे क्यों कहा बाबा ने, तो वो कार्य करें। फिर बीच बीच में स्वमान की ड्रिल की, कोई भी स्वमान या तो वरदान है कि बाबा कहते हैं कि उड़ती कला में भव जैसे, तो फिर कैसे हम आज जैसे बाबा ने कहा, तो इस पे भी मंथन कर सकते हैं मन में कोई भी कार्य करते हुए। और दूसरे से किसी भी आत्मा के सामने जब कार्य में आते हैं तो आत्मिक स्थिति में स्वयं को भी रख के उससे भी आत्मिक स्थिति में बात करें। और बाबा ने यहाँ की शारीरिक स्थिति और एकाग्रता को बढ़ाने की ड्रिल भी बताई है, तो हम हर घंटे ये कर सकते हैं कि 1 मिनट के लिए एकाग्रता की ड्रिल कि बस मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। तो इस तरह का 1 मिनट भी अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें तो एकाग्रता की शक्ति से हमारी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये जो अभ्यास है, कुछ अभ्यास अगर हम पूरे दिन करें तो इससे जरूर हमारा मन व्यर्थ में नहीं जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी को, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। चैट में भी बहुत आत्माओं ने शेयर किया हुआ है, यश भाई जी ने, रीना बहन जी ने, जीवन रश्मि बहन जी ने, शेरू भाई जी ने, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है। तो आज जैसे बाबा मिलन भी है, तो आज जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा ही मेरा संसार है, मैं और मेरा बाबा, तो आज हम पूरा दिन भर बाबा की याद में अपने मन को बार बार एकाग्र
स्मृति में लेके जाएंगे और एकाग्रता की टिल रखेंगे। सभी ने जो जो शेयर किया है रमणीकता के साथ हम रोज कोई ना कोई पॉइंट लेकर या कोई मुरली से लेकर तो हम अपने मन को बिजी रखें। तो अभी एक और अनाउंसमेंट है जो श्वेता बहन जी ने अनाउंस किया था अभी कि कल सभी वहां जुड़ेंगे। वो प्रोग्राम एक्चुअल में 20th फेब को है। सॉरी देरी कोई मिस्टेक था जिस वजह से डेट गलत पड़ा गया। तो संडे को है वो प्रोग्राम। तो संडे को जो बफर डे हम लेते हैं वो बफर डे, उस बफर डे में वो कॉमन प्रोग्राम रहेगा इंग्लिश मुरली ग्रुप के लिए और हिंदी मुरली ग्रुप के लिए 5 to 6:30। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का क्लास है। तो कल सभी इसी ग्रुप में जुड़ेंगे। कल हम बाबा मिलन की मुरली पढ़ेंगे। तो अभी आगे योग की तरफ बढ़ते हैं। रमणी भाई जी आप हम सभी को 1 या 2 मिनट का योग कराएंगे। बहन जी कुछ थोड़ा सा कुछ सुनाओ। आज बाबा मिलन है, साइलेंस में रहिए। सुनाने की ज्यादा इच्छा नहीं रखना है, योग में रहने की इच्छा रखें। ओके ओके भाई। है ना, आज अभ्यक्त बाप दादा का है। सभी मन से मधुबन में पहुंचे और डायमंड हॉल में ही अपने आप को स्थित कर ले, जैसे बाबा मिलन। और बाबा को आह्वान करें, बाबा मैं आपके घर में आपका ही आह्वान कर रहा हूँ, और बाप दादा ऊपर से अवतरित होते हैं ऐसा अनुभव करें। डायमंड हॉल में बाप दादा स्टेज पर आ गया है और सामने स्क्रीन पर जैसे बाप दादा ने दादी के सिर पे हाथ रखा है, ऐसे दादी के जगह पे मैं हूँ। बाबा प्यार से दृष्टि देते हुए मेरे सिर पर हाथ रखें। बाबा का हाथ का स्पर्श अनुभव करें। मैं मालामाल हो गया हूँ। वाह मेरा भाग्य, भगवान स्वयं मुझे वरदानों से चला रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो आज सारा दिन सभी बाबा का हाथ अपने सिर पर रखें और बहुत सुंदर बाबा मिलन मनाएं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी बर्थडे।